फाइनली मेट्रो आ चुकी है, अभी इसके अंदर चलते हैं। अगर आपको शनिवार वाड़े का पूरा व्यू लेना है तो इस जगह पर आके रुकना होगा। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस साइड चेक कीजिए बॉयज, देखिए गोल्डन मैन, मुंबई का गोल्डन मैन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात को बहुत ही ज्यादा हम लोग थक चुके थे, और थकने के बाद हम लोग पूरा दिन हमने घूमा, और घूमने के बाद रूम पर आ गए। कल लगभग हम लोग 10:30 के आसपास हमारे रूम पर आ गए, और मॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा खाना जो है महंगा था, यानी प्राइस उसकी बहुत ही ज्यादा हाई थी, और हमारा बजट उतना नहीं था, इसलिए हमने बाहर किसी होटल में खाना खा लिया और आकर सीधा सो गए। और सुबह में लगभग हम लोग कितने बजे, 7-8 बजे के करीब उठ गए थे, और उसके बाद अभी फ्रेश हो चुके हैं। देख लीजिए, आप ये फ्रेश दिख रहा है इस तरफ, ये देखिए, ये मेरा दोस्त इधर बैठा हुआ है। यहाँ का व्यू देखिए गाइस, यहाँ का बाहर का व्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रहा है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग सुबह में गार्डन जाने वाले थे, लेकिन अभी जाने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने प्लान ये किया है कि 4 बजे के करीब हम लोग गार्डन जाएंगे, जिसका नाम ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन है, जो कि आपको वहां जाके हम लोग दिखाएंगे कि 4 बजे का माहौल किस तरह का रहता है, यानी नाइट में ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। और उसके बाद हम लोग शनिवार वाड़ा, जो कि आप लोगों को पता ही है पुणे का सबसे फेमस है, तो वहां जाकर उसके कुछ सीन्स आपको दिखाएंगे। और सबसे मजेदार चीज जो पुणे की है वो है फॉर्गेसन कॉलेज, जहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि वहां जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह की शॉपिंग वहां की जाती है, और बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में वहां पर सब कुछ माल मिलता है। तो वहां जाकर हम लोग नाइट का व्यू दिखाएंगे, और किस तरह से कॉलेज के जो स्टूडेंट है वहां पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये 30 रुपीज के अंदर एक डोसा और एक चटनी, और यहाँ पर ये सांभर है नॉर्मली, लेकिन टेस्टी है, जो भी है खाते हैं। खाने के बाद आपको ये देखिए इसका एक स्लाइस, इसको खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है, आपको ये खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग हड़पसर से स्टी लेने के बाद गरवारे कॉलेज की में पहुंच चुके हैं, जो कि मेट्रो स्टेशन है गरवारे कॉलेज के अंदर ये साइड। अब इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर ई साइकिल है, जो कि आप लोग यहाँ आने के बाद ले सकते हैं, और इस साइड पार्किंग की जगह दी है, आप लोग देख सकते हैं ये पार्किंग की जगह। और इस साइड साइकिल है, जो कि माय बाइक के है, ये देखिए। और अभी हम लोग गरवारे मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले हैं, तो आपको अंदर जाने के बाद दिखाते हैं। पुणे मेट्रो का काम दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अभी हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के गरवारे स्टेशन पर हैं। ये कॉरिडोर में मेट्रो लाइन का प्लान 1:2 रामवाड़ी का है, जिसमें अभी 1:2 गरवारे की मेट्रो लाइन चालू हो चुकी है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मेट्रो लाइन का प्लान PCMT2 सौरगेट है, जिसमें अभी PCMT2 फुगेवाड़ी की लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ उतनी गर्दी नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी नई नई मेट्रो शुरू हुई है, इसलिए अभी उतना ज्यादा इस्तेमाल कोई कर नहीं रहा है। और ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, पूरा ऊपर पत्रों से उसको ढका गया है, और ये देखिए पब्लिक अभी कुछ भी नहीं है, वहाँ थोड़े लोग बैठे हुए हैं। और इधर देखिए गरवारे कॉलेज, अभी कुछ ही देर में हमारी मेट्रो आएगी, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये लाइन जो है, इसके पीछे आपको रहना है, ठीक है, जब आएगी मेट्रो तो आपको दिखाते हैं। गाइस, फाइनली मेट्रो आ चुकी है, अभी इसके अंदर चलते हैं, ध्यान से चढ़ना होगा। तो ये देखिए फर्स्ट लुक कुछ ऐसा है इस मेट्रो का, इधर आपको स्क्रीन दिखाई जाती है, जो कि कहां से ये ट्रेन जाने वाली है। यहां पर देखिए स्टॉप, जो जो स्टॉप जाने वाली है, ये अगला स्टॉप, पिछला स्टॉप पूरा दिखाती है।
अभी हम लोग ये देखिए स्टॉप पे गरवारे कॉलेज, उसके बाद टेक्कन जिम खाना। तो गाइस बहुत ही अच्छी है मेट्रो है, बैठने के लिए उतनी ज़्यादा गर्दी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी नई रेल ये शुरू हुई है, इसलिए अभी बहुत ही ज़्यादा कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। तो अभी हम लोग इस मेट्रो की जर्नी आपको दिखाते हैं। बाहर से नजारा दिखाते हैं, बहुत अच्छी है और अभी नई नई खुली है इसलिए अभी जरा कम लोग है ना, धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। ऊपर से काफी अच्छा व्यू आने लगा है, पुणे भी काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। फाइनली इतनी मशक्कत के बाद हम लोग शनिवार वाड़े के अंदर आ चुके हैं और आज संडे का दिन है इसलिए आज बहुत ही ज़्यादा गर्दी है यहाँ पर। आप लोगों को जैसा कि मैं आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि कितनी गर्दी है, कम से कम यहाँ 500 से 600 लोगों की पूरी ऐसी लाइन लगी हुई है और बाकी जो अंदर आने वाले हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा गर्दी है क्योंकि आज संडे का दिन है इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं रिलैक्स होने के लिए, बैठने के लिए। देर से हम लोग इसके अंदर घूम रहे हैं लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कुछ देखने लायक कुछ है नहीं, जैसा कि इसके अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है और इसको जो 1800 शताब्दी में इसको बनाया गया था जो कि मराठा एम्पायर के जो पंत प्रधान थे पेशवा बाजीराव, उन्होंने इसको 1800 शताब्दी में बनाया था और उनका इसके ऊपर राज था, यानी मराठा एम्पायर का इसके ऊपर राज था और यहाँ पर जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है वही पेशवा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है जो कि आप यहाँ के बैठ सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर फवारे लगाए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर फिरने के लिए आए हैं। ऊपर से भी इसका नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। अभी उस साइड से देखिए, वहाँ से ऊपर हमें जाना है, उस साइड से फिर आपको ऊपर जाके दिखाते हैं, वो साइड बैठने के लिए भी जगह आए हैं। तो अभी इसके टॉप पर आ गए हैं, ये देखिए ये दीवार है, इस साइड से चलते जाना है जहाँ से मैं आपको दिखाया कि मेन जगह वहाँ है, वहाँ से पूरा शनिवार वाड़े का व्यू एकदम खतरनाक दिखाई देता है। और ये देखिए इधर से भी देख लीजिए कुछ व्यू, यहाँ पर सब सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। तो अभी इधर से चलते हैं, इस दीवार से आपको मेन व्यू दिखाते हैं। ये चेक करिए बॉयज कितना खतरनाक नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो देखिए वहाँ बाजीराव का स्टैचू भी लगाया हुआ है और यहाँ देखिए पब्लिक कितनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा खतरा दिखाई देता है। इस साइड का व्यू दिखाते हैं आपको, एक एक साइड से लेके चलते हैं। ये चेक करिए बॉयज कितना खतरनाक नज़ारा है, और यहाँ पर तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि ये बेस्ट व्यू पॉइंट है, अगर आपको शनिवार वाड़े का पूरा व्यू लेना है तो इस जगह पर आके रुकना होगा। देखिए कितना खतरनाक व्यू। अभी शनिवार वाड़ा देख के हो चुका है तो अभी 4 बजने का टाइम हुआ है
तो ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन जो है 4 बजे खुलता है, तो वहाँ अगर हम लोग जाने गए तो अगर आपको ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। तो जैसे ही हम लोग शनिवारवाड़े से बाहर निकले तो हम लोगों ने सोचा कि बस स्टैंड पर जाके ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन के लिए निकलेंगे, लेकिन हमने गूगल मैप पे जैसे ही मैप लगाया तो गूगल मैप ने हमको लक्ष्मी मार्केट में लेके जाके छोड़ा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। ये लक्ष्मी मार्केट बुधवार पेट में पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक शॉपिंग स्ट्रीट है, जो कि लोग आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। करीब यहाँ हम लोग आधे घंटे से फंस चुके थे क्योंकि गर्दी ही इतनी थी। यहाँ पर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो कि अलग अलग तरह के आप लोग ड्रेसेस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिलती है। और बहुत सारी दुकानें हैं जो कि करीब 2 से 3 किलोमीटर की ये पूरी स्ट्रीट है, ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग करीब बहुत देर इसके अंदर फंसे रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और इस साइड देख सकते हैं आप लोग ज्वेलरी की दुकानें कितनी बड़ी बड़ी हैं, और काफ़ी लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो इसके बाद हम लोग निकलते हैं गार्डन के लिए। तकलीफ झेलने के बाद और बहुत सारा क्राउड था जहाँ हम बुधवार पेट में गए थे, हमें गूगल में अपने लक्ष्मी मार्केट के अंदर लेके गए और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन में आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ से इसका एंट्री गेट है और इधर से पूरा गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। और जो टिकट है ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है, टिकट कम से कम 5 रुपये है एक पर्सन के लिए, तो बहुत ही कम प्राइस है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए ये रोड है, इस रोड से आगे जाना है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर, देखिए उस साइड। चलिए अभी आगे चलते हैं और अभी सनसेट होने वाला है इसलिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए पब्लिक आगे जा रही है, देखिए सनसेट का नजारा, चेक कीजिए ये व्यू। कितने ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे है और बहुत ही रिलैक्स वाला डे है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत से आए हुए हैं। और देखिए आपको यहाँ कितना रिलैक्स फील आ रहा है, इतनी ग्रीनरी है और ऊपर से सनसेट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर शांति से पानी चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए पानी। अभी आपको फुहारा दिखाते हैं पानी का, वो देखिए उधर फुहारा चल रहा है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस साइड चेक कीजिए बॉयज किस तरह से पानी उड़ रहा है। आपको एक मिनट इधर ये साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए यानी पानी जो है वो शांति का प्रतीक है, और किस तरह से यहाँ पे पानी खूबसूरत दिखाया गया है, इसलिए तो इस गार्डन में मैं आना चाहता था, यानी बहुत ही ज्यादा सुकून है यहाँ पर। वो देखिए ऊपर भी लोग हैं, यानी हर जगह लोग मौजूद है, सब लोग अपने में ही घूमे, कोई फोटो कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई सेल्फी ले रहा है। देखिए यहाँ से क्लोजली ऊपर भी देखिए बहुत ही ज्यादा।
देखिए हम लोग टॉप पर आ चुके हैं और टॉप पर से कुछ ऐसा यहाँ से व्यू दिखाई देता है। ये देखिए पूरा ओकायामा गार्डन यहाँ से दिखाई देता है। तो गाइस देखिए नाइट का कुछ इस तरीके से माहौल दिखता है यहाँ पर ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन में। काफी देर हो गया हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और अभी जाने का टाइम हो गया, इसलिए ये आपको लास्ट व्यू दिखाना इसलिए बोला क्योंकि ये रात का माहौल है यहाँ पर। अभी हम लोग FC रोड जाएंगे। ये देखिए ये फाउंडेशन का सा ऊपर जा रहा है। तो गाइस अभी हमने ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन पूरा घूम लिया है और काफी ज्यादा अंदर भीड़ थी लेकिन मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा था और जितना दिखा सकते थे उतना दिखाया। और अभी हम लोग जो जाने वाले हैं वो है FC रोड में आपको कुछ वहाँ की जो भी शॉपिंग स्ट्रीट है वो दिखाएंगे और वो दिखाने के बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर FC रोड पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग का एरिया है, देख लीजिए। FC रोड यानी फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी स्ट्रीट है और यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट और बहुत सारे पुणे के जो लोकल रहवासी हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं और बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इस साइड देखिए कुछ ज्वेलरी है, ये देखिए गोल्डन मैन, मुंबई का गोल्डन मैन। इस साइड देखिए लोकल शॉप, बहुत ही सस्ती चीजें हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके की लाइट लाग, रेस्टोरेंट है ये बड़ा, बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत लाइट दिखाई दे रही है। I love TCR. Guys, बहुत ही ज्यादा बड़ी स्ट्रीट है, उस साइड भी है लेकिन मैं आपको एक ही साइड दिखाने वाला हूँ और सबसे फेमस जो है कि रेस्टोरेंट है ये देखिए वाडेश्वर, ये भी यहीं पर है। देखिए बहुत सारे शूज हैं, इधर लेडीज के लिए हैं, इधर मेंस के लिए है और आप क्राउड देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा है। गाइस यहाँ पर व्लॉगिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है और इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा लोग अभी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और आपको हमने जितने भी रोड यहाँ पर दिखाया है इसमें से आधा रोड तो खत्म हो चुका है और अभी आगे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जितना रोड बचा है आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाते हैं, वो साइड भी देखिए आप लोग और अभी आगे गर्दी बढ़ती ही जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अभी आगे का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए वहां पर कुछ लोग फ्री हक के लिए भी रुके हुए थे लेकिन हमने फ्री हक नहीं किया, शायद जाते टाइम देखेंगे। ये देखिए इस साइड बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में है लेकिन हमें कुछ लेना नहीं है, ये आपको दिखाना था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस साइड देखिए गर्ल्स के लिए कुछ शॉपिंग का है और इस साइड देखिए ऑडी रुकी हुई है। ये अभी यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि गाड़ियों का शोर की वजह से मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ का फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि अभी हम मैं अंदर तो नहीं जाने वाला इसके क्योंकि अभी सिक्योरिटी और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो हमने ये देखिए स्ट्रीट ये यहाँ पर ख़त्म होती है पूरी, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो वो हक करने वाले जो लोग थे उनसे मिलते हैं अगर मिलना हुआ तो, नहीं तो फिर इस व्लॉग को हम एंड कर देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्री हक से, तो अभी इनसे मिलते हैं। Nice to meet you brother. आपसे मिलकर अच्छा लगा।
टेस्ट रहा। हेलो हाय, फाइनली गाइस सब कुछ दिखाने के बाद हम लोग आ चुके हैं रूम पर और काफी ज्यादा भूख भी लगी है। बाहर कुछ खाने के लिए नहीं मिला इसलिए हम लोगों ने ये देखिए तीन बिरयानी यहाँ पर पार्सल लेके आई है, जो कि इसमें से ये दो जो है ये हैदराबादी चिकन बिरयानी है और एक तंदूरी चिकन बिरयानी है, और इधर दो पानी की बॉटल है। तो अभी इसको खाते हैं, खाने के बाद हमें सोना है, फिर सोने के बाद सुबह में उठकर फिर हमें महाबलेश्वर भी जाना है, तो महाबलेश्वर का भी आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। पुणे के अंदर जो दो दिन हम लोग रुकने वाले थे वो कल यहाँ ख़त्म हो जाएंगे और फिर इस होटल से हम लोग कल चेकआउट कर देंगे, जो कि हमें महाबलेश्वर जाना है। तो अगर आपको इस व्लॉग के अंदर कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी है, हमने इसके अंदर फ्रेंडशिप गार्डन है, फिर वहाँ एफ सी रोड के जो स्ट्रीट शॉपिंग का है, फिर बाद में से जो कुछ भी इसके अंदर दिखाया है, एक अच्छी तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल ग्रोथ नहीं होगा। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो और कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।